देखो भैया, अगर आपने विक्रांत मैसी की 12th फेल देखी है और तुम्हें उसे देखकर ऐसा लगा हो कि अरे यार ये तो बहुत ही प्यारा सा है, सहानुभूति हो गई है तुम्हें उससे, तो विक्रांत मैसी की नई मूवी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर, मूवी का नाम है सेक्टर 36, उसे बिल्कुल मत देख लेना, क्योंकि अगर तुमने वो देख ली तो तुम्हें विक्रांत मैसी से मेरी तरीके से नफरत हो जाएगी। आपको चॉकलेट पसंद है ना? ये मेरे लिए? हाँ बेटा। इस मूवी की इतनी ज्यादा बात हो रही है, जो मूवी थिएटर में रिलीज हुई है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा है जबरदस्त सीन्स के बारे में, जबरदस्त परफॉर्मेंस के बारे में। अगर तुम फैन हो थ्रिल के तो तुम्हें भाई ये मूवी बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। सेक्टर 36 एक हाई इंटेंसिटी से भरी हुई थ्रिल फिल्म है जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि इस फिल्म की कहानी में आखिर में ऐसा क्या होगा, तो भाई इस फिल्म की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। वो कांड था साल 2006 में नोएडा के निठारी गांव में हुआ हत्याकांड, पूरे देश को जिसने हिला कर रख दिया था। नोएडा के सेक्टर 31 की एक कोठी के पीछे एक नाले में करीब 2 दर्जन के बच्चों के नर कंकाल मिले थे। बस इतना सुनते ही ना पूरा केस याद आ गया होगा तुम्हें, मुझे पता है। और ऐसी ही कुछ कहानी तुम्हें सेक्टर 36 में भी देखने को मिली है। वो बात अलग है कि मेकर्स ने ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं दिया कि भाई ये निठारी कांड से इंस्पायर्ड है, लेकिन ये जरूर कहा है कि ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित थे। अब कौन सी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है इतना तो हम भी अंदाजा लगा सकते हैं। सेक्टर 36 की कहानी भी एक कोठी से शुरू होती है जहां प्रेम सिंह सोफे पर लेटे होते हैं। प्रेम सिंह यानी कि हमारे कौन, विक्रांत मैसिया। और वहीं से देखकर मुझे लगने लग जाता कि अरे यार ये कितना कमीना इंसान है ना यार, ऐसा कुछ फील करने लग जाओगे तुम उन्हें देखकर। होता क्या है कि जब वो सोफे पर लेटे होते हैं, शो खत्म होता है, कौन बनेगा करोड़पति चल रहा होता है, प्लेट में हड्डियां साफ करता है वो इंसान। सोचो तुम, ऊपर कमरे में जाता है और जहाँ पहले से बंदी स्कूल की बच्ची को बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। ये पहला सीन है सेक्टर 36 का। इस बात से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि सेक्टर 36 के अंदर तुम्हें और कितनी कितनी ब्रुटैलिटी देखने को मिलेगी, कितने हार्श सीन देखने को मिलेंगे जिससे तुम्हें विक्रांत मैसी के कैरेक्टर से नफरत हो जाएगी। और तुम कहने लग जाओगे कि भाई इस इंसान के अंदर ज़रा भी मतलब इंसानियत नहीं बची है ना। देखो यार, ये बात हमें पता है कि विक्रांत मैसी को जो भी कैरेक्टर पकड़ा दो ना, वो उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से शिद्दत के साथ एक्टिंग करते हैं। हमने उनका काम हसीन दिलवा में देखा है, अपना हाथ तक काट देता है बंदा। हमने उन्हें 12th फेल में देखा, एक संस्कारी टाइप, एक मेहनत करने वाला लड़का, वो वाला कैरेक्टर। ब्लैकआउट में देखा है हमने उन्हें, जो अभी नेट थोड़ा टाइम पहले उनकी मूवी रिलीज हुई थी, वो एक ह्यूमर का तड़का उन्होंने लगाया था। और अब यहाँ पर एक ऐसा साइकोपैथ वाला जो कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं ना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। उस टाइम पर वो साइकोलॉजी समझना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। एज ए एक्टर विक्रांत मैसी ने बहुत ही फंटेस्टिक काम किया है। मेरी खुद की बेटी है 6 साल की, गांव में, बड़ी चिंता होती है उसकी। सच में यार विक्रांत मैसी, कहना पड़ेगा यार कि 12th फेल में आपने हमें रुला दिया था, लेकिन यहाँ पर आपने हमें ना अपने आप से नफरत करने के लिए मजबूर कर दिया है। विक्रांत मैसी के बाद एक और कैरेक्टर है जिसने मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया है, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, और वो इंसान है दीपक डोबरियाल, जिन्होंने इससे पहले तनुवेज मन्नू, हिंदी मीडियम जैसे फिल्मों में कॉमिक कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। यहाँ पर मैं पहली बार देख रही हूँ एक सीरियस कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और उन्होंने जो को बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने इस कैरेक्टर को निभाया। जब इस टाइप की फिल्में बनती है ना, तो देखकर लगता है कि भाई कुछ तो बनाया, बढ़िया बनाया है यार। वैसे आपके घर भी बेटी है क्या? क्या करेगा जानती? देखो इस फिल्म में बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फिल्म ना आपको शॉक देकर चली जाती है, एक ऐसी फीलिंग देकर चली जाती है कि 2 घंटे तक बैठकर आप सोचते रहोगे, ऐसे ही चुपचाप बैठे रहोगे, सोचोगे कि यार कितना बुरा हो गया उन बच्चों के साथ। मतलब वो मेमोरी देकर चली जाती है, और ये एक थ्रिल मूवीज की एक खासियत होती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है आदित्य ने, इससे पहले उन्होंने हैदर और कमीने जैसी मूवीज में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया है, और तलवार जैसी मूवीज को लिखा है जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी रही है। अब तुम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि ये मूवी कितनी ज़्यादा बढ़िया और डिटेलिंग के साथ लिखी गई है। और जितने भी क्राइम थ्रिल वाली मूवीज होती हैं, उनमें सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि क्राइम कितने बढ़िया तरीके से इन्वेस्टिगेट करके दिखाया गया है, और ये इसमें पूरे नंबर लेती है। तो मैं कहूँगी कि संडे तुम नेटफ्लिक्स एंड चिल करो और विक्रांत मैसी की दमदार परफॉर्मेंस देखो। मैं हूँ सुहानी और आप देख रहे थे फिल्मी चार्ट कल। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इधर उधर जाने से पहले, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।